अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज का टॉपिक है जी हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम किसे कहते हैं? पहले तो मैंने आपको ये बताया था यार कंप्यूटर की डेफिनेशन किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेस इट एंड पुट द आउटपुट। इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस से, उसको प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट दे देता है। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, ठीक है ना। कंप्यूटर इनपुट लेगा कहां से लेगा यार, इनपुट डिवाइस से लेगा और उसको प्रोसेसिंग करेगा फिर आउटपुट दे देगा। आप जो प्रोसेसिंग जहां करते हैं उसे कहते हैं सीपीयू। ये मतलब ये पूरा आपका कंप्यूटर है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप समझ लो कि ये कंप्यूटर है। सिवाय इसके ये जो इनपुट डिवाइसेज है ये और ये आउटपुट डिवाइसेज है ये, इसको निकाल के ठीक है, ये कंप्यूटर का हिस्सा होते हैं लेकिन कंप्यूटर होते नहीं है। आपको कल बताया था यार ये कंप्यूटर के अटैच डिवाइसेज हैं। अटैच डिवाइसेज का मतलब ये पेरिफेरल डिवाइसेज हैं। पेरिफेरल का मतलब है कि जो कंप्यूटर से चीजें अटैच होंगी ना उसे पेरिफेरल डिवाइसेज कहेंगे। जो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो जो भी हो वो पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाता है। चाहे कीबोर्ड है, चाहे माउस है, चाहे आप जो भी कोई आप उसको आप कनेक्ट कर देते हो कंप्यूटर से वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाएगा। तो इनपुट और आउटपुट दीज आर द पेरिफेरल डिवाइसेस। अच्छा बताया था मैंने कि यार इनपुट से डेटा आएगा सीपीयू में और सीपीयू में सबसे पहला जो डेटा जहां जाता है उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। यानी कि यहाँ सबसे पहले वास्ता यहाँ पड़ेगा डेटा का, इधर आता है डेटा। उसके बाद डिसीजन होती है कि यार ये स्टोरेज की तरफ जाए, परमानेंट स्टोर हो जाए हार्ड डिस्क में, ठीक है, या प्रोसेसिंग की तरफ चला जाए या अपना काम करे, यहाँ काम करे या यहाँ काम करे। तो दो काम सबसे पहले आएगा जी रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। इसलिए कहते हैं ना, बताया था मैंने क्या, रैम किसी डिवाइस की अच्छी हो, ज्यादा मिकदार की हो तो आपका डिवाइस अच्छी चलेगी, उसकी प्रोसेसिंग भी तेज होगी और बेहतरीन काम करेगी। आपकी मैंने मोबाइल की मिसालें दी थी कि यार मोबाइलों में भी रैम होती है, हर जगह जो भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रही है उसमें रैम का कंसेप्ट है कि मतलब पहले डाटा उधर ही जाता है फिर काम होता है यार ज्यादा, उसके बाद डिसीजन होती है कि यार किधर जाना है, हार्ड डिस्क की तरफ चला जाना है सेव होने के लिए या प्रोसेसिंग की तरफ जाना है। तो सबसे पहले ये आ गया रैम प्राइमरी मेमोरी में, ये रैम है अच्छा, ये हम करेंगे इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे प्राइमरी स्टोरेज। अब उसके बाद चला गया जी स्टोरेज की तरफ चला गया तो बस सेव हो गया डेटा, वो तो फिर आपकी मर्जी है यार, आप कल निकालते हो परसों निकालते हो या अभी निकालते हो स्टोरेज, लेकिन सेव हो गया, परमानेंट स्टोर हो गया। चाहे बिजली चली भी जाए आपका डेटा सेव है, कहां सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में, अगर बिजली चली भी जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर प्राइमरी स्टोरेज में डेटा है और अगर बिजली चली जाती है तो उसमें डेटा वाश हो जाएगा। ये प्राइमरी स्टोरेज वाशेबल मेमोरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसमें परमानेंट स्टोरेज का कंसेप्ट नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए आएगा डेटा, काम होगा, प्रोसेसिंग तो नहीं बस रहेगा थोड़ी देर के लिए डेटा, और बस अगर बिजली चली भी जाए तो करंट मिलना बंद हो जाए तो बस डेटा गया। अच्छा अब असल काम जी इधर होता है, मैंने बताया था कि प्राइमरी स्टोरेज से डेटा आया तो कंट्रोल यूनिट को आएगा, कंट्रोल यूनिट को बताया था यार कंट्रोल करता है डेटा को, कि डेटा को कंट्रोल करना बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ट्रैफिक पुलिस वालों का काम है। yes, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस वालों का काम है कि यार किस डेटा को जल्दी जाने देना है, किसको रोकना है, किसको जल्दी प्रोसेसिंग करानी है, किसको थोड़ी देर बाद करानी है, ये किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का नाम। तो ये कंट्रोल नाम से जाहिर है यार ये कंट्रोल करता है डेटा को, तो जाहिर बात है इसके पास आगे डेटा, अब इसने आगे देना है एएलयू को, वे बुनियादी काम इधर होता है यार एएलयू में, कंप्यूटर का बुनियादी काम जो होता है ना, मतलब काम ही कंप्यूटर का इधर होता है एएलयू, प्रोसेसिंग सारी इधर होती है एएलयू, मतलब आप समझ लो कि कंप्यूटर का काम करने वाला हिस्सा ही है अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। अब इसमें दो काम होते हैं एएलयू, अर्थमैटिक काम, अर्थमैटिक कौन से काम होते हैं आप मैथ्स में, तो आपको पता होगा यार अर्थमैटिक का मतलब है कि प्लस माइनस डिवीजन, मतलब जमा नफी ज़रब ये वाले काम, ये अर्थमैटिक काम, ठीक है अर्थमैटिक।
और लॉजिकल ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जो लेस देन के ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू इक्वल टू दीज आर द लॉजिकल ऑपरेशन. तो अगर मैं कहूं कि अरिथमेटिक कौन से काम है तो अरिथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन. और लॉजिकल कौन से काम है यार लेस देन ग्रेटर देन ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू या इक्वल टू कंप्यूटर में इक्वल टू से कहते हैं सही है. तो ये लॉजिकल ऑपरेशन है तीन ज्यादा लॉजिकल ऑपरेशन और ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है ये याद रखो. तो बुनियादी काम तो यार कंप्यूटर का होता ही है. अच्छा जब ये काम अपना कर लेता है कैलकुलेशन हो गई तो फिर वापस चला जाएगा डेटा कंट्रोल यूनिट को. अब कंट्रोल यूनिट देखते हैं कि यार अब डेटा को किधर पहुंचाना है. तो पहले जब कैलकुलेशन हो जाए तो वापस रैम में जाता है डेटा. अब वो डिसीजन करते हैं यार इसको आउटपुट में देने या नहीं यार परमानेंट स्टोर करना उसका काम है. ये जो यूजर बैठा होता है ना उसका काम होता है कि यार मुझे रिजल्ट अभी चाहिए. तो रिजल्ट अगर चाहिए तो मैं कंट्रोल यूनिट की तरफ आया डेटा प्राइमरी स्टोरेज की तरफ आया फिर आउटपुट की तरफ चला गया ठीक है ना. लेकिन अगर कहता है नहीं यार मैं सेव करता हूँ डेटा मुझे आउटपुट नहीं चाहिए सेव करता हूँ ऑपरेशन हो जाए सेव हो जाए तो बस कंट्रोल एएलयू से कंट्रोल यूनिट की तरफ आया प्राइमरी की तरफ आया और फिर सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो गया. तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है जी आपका सीपीयू का समझ लो जब ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर के सीपीयू के हिस्से ही है पार्ट्स ही है जिसमें बुनियादी तौर पर आप समझ लो कि कितने हिस्से हो गए सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कितने हो गए एक दो तीन चार चार हिस्से. जबकि इनपुट और आउटपुट ये पेरिफेरल ऑपरेशन है पेरिफेरल डिवाइस है. कंप्यूटर के सिक के साथ अटैच होने वाले जो हिस्से होते हैं ना उसे पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो वो पेरिफेरल डिवाइस है. कंप्यूटर होता नहीं है वो कंप्यूटर के हिस्से होते हैं. कंप्यूटर के साथ लगा दो यार चाहे फ्रिज लगाते हो चाहे कोई भी मशीन लगाते हो वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है. कंप्यूटर होता नहीं है वो कंप्यूटर असल चीज ये एक दो तीन चार इस चीजों पर मुश्तमिल है. तो आजकल मोबाइल जो आ रहे हैं वो भी कंसेप्ट यही है सबसे पहले डेटा रैम में आता है उसके बाद कैलकुलेशन की तरफ जाएगा या परमानेंट स्टोरेज की तरफ चला जाएगा. मोबाइलों में आपने देखा होगा रैम और रोम का कंसेप्ट होता है ना यार इतनी रैम और इतना रोम है. रोम का होता है परमानेंट स्टोरेज हम पढ़ेंगे आर ओ एम रीड ओनली मेमोरी परमानेंट स्टोरेज. और रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि आरजी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी. तो रैम जितनी अच्छी होगी जितनी वसी होगी जितनी कुशादा होगी जितनी गीगाबिट्स में ज्यादा होगी बाइट में ज्यादा होगी ना आपका काम बेहतरीन रहेगा अच्छा काम चलेगा स्लो नहीं होगा कंप्यूटर हैंग नहीं हो जाएगा चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर जो भी हो स्लो नहीं होगा हैंग नहीं होगा जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग हो जाएगी आपको रिजल्ट आके दिखाएगा. समझ आ गई. तो आज की डिस्कशन थी हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम. तो समझ आ गई थी आपको आज का लेक्चर. तो उसके बारे में सवाल है तो पूछ ले.